हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसपीटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, और क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, और क्या होता है ये स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, दिस टेस्ट डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करता है ये, रिलेटिव डेंसिटी एंड द एंगल ऑफ शेयर रेजिस्टेंस ऑफ द कोहेसिव सॉइल। मतलब रिलेटिव डेंसिटी बताता है ये, और एंगल ऑफ शेयर रेजिस्टेंस, मतलब शेयर रेजिस्टेंस का जो एंगल बनता है कोहेसन लेस सॉइल के अंदर, कोहेसन लेस ना कि कोहेसिव, कोहेसिव चिपचिपी और कोहेसन लेस जो खुली हो, ठीक है। दूसरा इसका टारगेट होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल, मतलब अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है ये कोहेसिव सॉइल की, ठीक है। दिस स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज कंडक्टेड इन अ बोर होल, ये स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एक बोर होल में कंडक्ट किया जाता है यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैम्पलर। तो ये डायग्राम हमारा स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैम्पलर का है, इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले लो और ढंग से बनाना। जो ऊपर देख रहे हो आप थ्रेड ऑफ रोड, वो यहाँ पर रोड फंसाई जाती है, इसके ऊपर रोड फंसा के इसे नीचे उतारा जाएगा, ये खोखला हिस्सा है, ये 38 mm का होता है, ये 41, 50 जो भी है। ये ड्राइविंग शेप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कटिंग एज है, ये मिट्टी को काटते हुए नीचे जाएगा और सैंपल इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे वाले हिस्से की जहाँ से ये कटिंग एज है, ये 75 mm की हाइट होती है, जहाँ पर स्टोरेज होता है 450 mm, और ऊपर जहाँ पर रोड लगती है इसमें, इस हिस्से में ऊपर से रोड डाली जाती है बोर होल में जाने के लिए। जैसे कि आपने नॉर्मली बोरिंग होते हुए काफ़ी बार देखा होगा कि उसमें सबसे पहले तो हम बोरिंग को इसी टाइप से करते हैं कि रोड्स डाल के उसके अंदर करते हैं, वही करना है बस सिंपल, इसे स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैम्पलर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। व्हेन द बोर होल हैज़ बीन ड्रिल्ड टू द डिजायर डेप्थ, मतलब जब बोर होल एक डिजायर डेप्थ तक खोद लिया जाएगा, द ड्रिलिंग टूल्स आर रिमूव्ड, ड्रिलिंग टूल्स रिमूव कर दिए जाएंगे, ठीक है। एंड द सैम्पलर इज लोअर्ड, मतलब जिस चीज़ से हम ड्रिल कर रहे हैं उसे रोड में से निकाल के इसे उसके आगे लगा देंगे, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है, द सैम्पलर इज लोअर टू द बॉटम ऑफ द होल, द सैम्पलर इज ड्राइवन इन टू द सोल बाई अ ड्रॉप हैमर ऑफ 63.5 kg, मतलब एक ड्रॉप हैमर के द्वारा हम इसे ऊपर से ठोकेंगे, इस के ऊपर जो रोड है और जिसमें सैम्पलर लगा होगा, उस हैमर का वेट होना चाहिए 63.5 kg मास, फॉलिंग थ्रू अ हाइट ऑफ 750 mm एट द रेट ऑफ 30 ब्लोस पर मिनट। इस बात का मतलब यह है कि जब हम इस सैम्पलर को उस रोड के ऊपर लगा के नीचे डालेंगे, तो उस पे जो हैमर से इसे हम 750, जो उसके ऊपर हैमर हम यूज़ करेंगे मतलब स्ट्राइक करने के लिए, उसका वेट एक तो पहली बात तो 63.5 kg होना चाहिए, दूसरा उसे हम 750 mm की हाइट से फेंकेंगे, ठीक है, और हर मिनट हम 30 ब्लोज करेंगे, मतलब 30 बार मारेंगे, स्ट्राइक रेट हमारा 30 होगा पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। द नंबर ऑफ हैमर ब्लो रिक्वायर्ड टू ड्राइव 150 mm ऑफ सैम्पल इज कंडक्टेड, ठीक है। द सैम्पल इज फर्दर ड्राइवन बाय 150 एंड नंबर ऑफ ब्लोज रिकॉर्डेड एंड वंस अगेन ड्राइव द सैम्पल बाय 150 एंड नंबर ऑफ ब्लोज रिकॉर्डेड अगेन। इस बात का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम 150 mm तक उसे डालेंगे सैम्पल को, और काउंट करेंगे कितने हैमर्स हमने, मतलब कितने हैमर मारने पड़े उसके ऊपर, ब्लोज कितने मारने पड़े, फिर दोबारा से और 150 mm हम उसके अंदर डालेंगे, उसके ऊपर हैमर मारेंगे, देखते हैं फिर काउंट करेंगे कितने ब्लोज हमें मारने पड़े हैमर के, फिर दोबारा से सैंपल को और नीचे डालेंगे 150 mm, मतलब तीन बार डालेंगे हम ये चीज़, ठीक है, 150 150 150, तीन बार करेंगे हम उसे 150 mm धसाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। और नंबर ऑफ हैमर्स कितने हमारे यूज़ हुए हैं, नंबर हैमर्स के नंबर नहीं, नंबर ऑफ ब्लोज एक्चुअली, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लोज फॉर फर्स्ट mm इज इग्नोर्ड, मतलब जो पहले आपने हैमरिंग करी है और जो है ब्लोज, मतलब जितनी बार आपने ठोका है थोड़ा, वो जितने नंबर काउंट है आपका, पहले 150 mm के लिए तो हम इग्नोर ही कर देंगे, ठीक है, कोई मतलब नहीं। फिर जो बचे हुए दो सेट है ना, नाउ नंबर ऑफ ब्लोज रिकॉर्डेड फॉर लास्ट टू 150 mm इंटरवल आर एडेड टू गिव स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन, मतलब कि जो आपने तीन सेट में किया है ना 150 mm नीचे दसाया है, तो ऊपर वाले 150 mm को आप छोड़ देंगे और नीचे वाले दो 150 mm को जितने नंबर ऑफ ब्लोज लगे हैं उन्हें ऐड कर देंगे, तो आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर आ जाएगा, बस यही है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर, उसे एन से डिनोट कर देंगे, वो जो ग्रीन में डिनोट किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर 300 mm ऑफ पेनिट्रेशन बियॉन्ड अ सेटिंग ड्राइव ऑफ 150 mm। इस पैराग्राफ का मतलब पता है क्या, ये स्टैंडर्ड टेक्निकल लैंग्वेज में बस वही बात बोली है कि पहले जो नंबर है ना, मतलब 300 mm के लिए, मतलब लास्ट के जो 150 के लिए आपने रिकॉर्ड किया था और उसे स्टैंडर्ड, उन दोनों को ऐड करके स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर n निकाला है ना, बस यही बात उसने
थोड़ी स्टैंडर्ड में बोली है कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर 300 mm. अब 300 mm कैसे हो गया, लास्ट के जो 150 और 150 थे उन दोनों को ऐड किया तो 300 mm के लिए पेनिट्रेशन के लिए बियॉन्ड अ सिटिंग ड्राइव ऑफ 150, बियॉन्ड अ सिटिंग ड्राइव ऑफ 150 mm. मतलब पहले जो 150 mm का जो सिटिंग ड्राइव था उसे तो आपने इग्नोर कर दिया, जो लास्ट के दो सेट थे यानी कि 150 150 के उसे ऐड किया तो 300 mm हो गया, बस यही बात बोली है. इफ़ नंबर ऑफ ब्लोज एक्सीड्स फॉर 150 mm ड्राइव्स एक्सीड 50, इट इज़ टेकन एंड टेस्ट इज डिसकंटिन्यूड. अगर नंबर ऑफ ब्लोज मतलब 150 mm की ड्राइव करने के लिए 50 से भी ज़्यादा हो जाए ना आपके हैमर्स, तो आप टेस्ट छोड़ डिसकंटिन्यू कर देंगे और उसको फेलियर मान लेंगे. ठीक है, डायल इंटेंसिटी करेक्शन ये क्यों करते हैं, डायलिसिस करेक्शन, कभी कभी जो मिट्टी होती है हमारी वो ठीक नहीं होती है, मतलब कि मिट्टी गिल्ली भी हो सकती है, ह्यूमस भी हो सकता है उसके अंदर और काफ़ी हर तरह की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ग्रेवल या छोटे छोटे पत्थर भी हो सकते हैं, तो उसका करेक्शन इससे होगा. ठीक है, आप इस फॉर्मूले को ऐसे ही लिख देना, बस कोई मतलब नहीं है इसका. ओवर बर्डन प्रेशर करेक्शन का मतलब है, मतलब उससे ओवर बर्डन तो नहीं हो रहा है, मतलब आप हैमर 63.5 को हम लिया हुआ है लेकिन क्या पता उसके अंदर जंग लगा हुआ, उसका भी ऐड होगा वेट, और आप 750 mm की हाइट से नहीं फेंक रहे हैं, या 30 blows आपने टाइम चलता रहा और आपने 30 blows नहीं दिए हैं या फिर उससे ज़्यादा दे दिए हैं, जो भी है. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इस टेबल की, ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. ये नंबर ऑफ ब्लोज हैं, अगर 0 से 2 blows मारे हैं तो कंसिस्टेंसी देखते हैं तो वेरी सॉफ्ट सॉइल है वो. ठीक है, क्योंकि उसकी जो किलो न्यूटन पर मीटर उसकी स्ट्रेंथ है वो 25 तक होगी, उससे कम होगी. 2 से 4 blows मारे हैं तो वो सॉफ्ट बनती है. ठीक है, 4 से 8 मारे तो मीडियम टाइप की है, 8 से 15 स्टिफ, और 15 से 30 blows मार रहे हो आप तो वेरी स्टिफ है. ठीक है, लेकिन जो 30 से ऊपर अगर आपके नंबर ऑफ ब्लोज आ रहे हैं तो वेरी हार्ड है. ठीक है, इसीलिए इस स्टेप के अंदर जो बोली हुई है ना बात ये कि इफ़ द नंबर ऑफ ब्लोज फॉर 150 mm ड्राइव एक्सीड 50, इट इज़ टेकन एंड टेस्ट इज डिसकंटिन्यू. टेस्ट इज डिसकंटिन्यू मतलब टेस्ट फेल हो चुका है हमारा. अगर कि 150 mm की ड्राइव करने के लिए आपको 50 से ज़्यादा हैमर ब्लोज करने पड़े तो वो ख़राब लैंड है, उस पर आप टेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो यही था हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट. अगर आप चाहते हैं कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग की मैं और भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप इस क्वेश्चन को पहले लिख लें वीडियो देखकर, या फिर स्क्रीनशॉट लेके देख लें और इस डायग्राम को जरूर बना लें, फिर उसके साथ मेरी ये ऑडियो चलाएं ताकि आपको समझ में आ सके कि ये है क्या एक्चुअली. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.